नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिनटेक्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग के बारे में। इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के लिए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इसको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया विश्व का आठवां अजूबा इसको बोला है। ठीक है, तो क्या बात है इसमें जो कि इतने बड़े साइंटिस्ट ने इसके बारे में इतने 60-70 साल पहले जो है इसके बारे में बोला गया है, बोला है, जरूर कुछ बात होगा। तो हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट में इसका क्या यूज कर सकते हैं और इसके इसका बेनिफिट क्या हम लोग ले सकते हैं, क्या इसका पावर है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग विथ एग्जांपल्स। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ एनालिसिस करके बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें दोस्तों। SIP के बारे में मैंने पिछली वीडियोज में आपको ऑलरेडी बताया है, तो आपको ऑलरेडी जानकारी है कि SIP में एवरी मंथ इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि SIP में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 5,000 हर महीने आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, 15% आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ठीक है, तो 5 साल के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका इन्वेस्टमेंट 15% पर एनम ग्रो करेगा तो कितना होगा 5 साल के बाद। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, ये पीरियड मैंने लिया है। तो सबसे पहले तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट तो 0 होगा। हम लोग 5 साल में कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो ये 5,000 इंटू 5 साल में 60 मंथ होते हैं, तो 5,000 इंटू 60 मंथ, तो हम लोग 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट करेंगे 5 साल में। ठीक है, तो 5 साल के बाद अगर हम लोग हर मंथली इन्वेस्ट करेंगे तो उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाएगा 4,48,408। ये फॉर्मूला मैंने फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला जो है अप्लाई करके मैंने कैलकुलेट किया है। SIP का इन्वेस्टमेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के कैलकुलेशन से आप कर सकते हैं। तो पहले 5 साल में आपने 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो 3 लाख का वैल्यू हो गया 4,48,000 दोस्तों। और 10 साल में आप देखेंगे कि 3 लाख तो आपने पहले यहाँ पे था ओपनिंग, मतलब पहले 5 साल में आपने 3 लाख इन्वेस्ट किया, फिर 5 से 10 साल के बीच में आपने 3 लाख और इन्वेस्ट किया है। तो मैंने इसको लिखा एडिशनल इन्वेस्टमेंट बिटवीन 5th, 6th ईयर टू 10th ईयर, मतलब 5 साल में 3 लाख और किया आपने। तो पहले 3 लाख, अभी के 3 लाख टोटल हो गए 6 लाख। ठीक है, तो 6 लाख का वैल्यू हो गया 13,93,286। यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट था 5 से 10 साल के बीच में, वो आपने 3 लाख किया। ठीक है, वो 3 लाख के वजह से आपका जो इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट वैल्यू में, पहले 4,48,000 था और 13 लाख हो गया। तो 13 लाख में अगर मैं ये माइनस कर दूं, क्योंकि तो आपने 10 साल चलाया ना, तो अगर 5 साल चलाते तो आपको इतना मिलता, तो 10 साल आपने चलाया, आपने 3 लाख और भरा 5 साल में, तो आपका वैल्यू कितना बढ़ गया, तो दिस माइनस दिस, तो आपका वैल्यू बढ़ गया 9,44,877। आपने ये 3 लाख रुपए एडिशनल और इन्वेस्ट किया 5 साल में, तो आपका उसकी वजह से वैल्यू बढ़ गया 9,44,000। पहले 5 साल में 3 लाख आपने इन्वेस्ट किया तो हो गया 4,48,000। अगले 5 साल में 3 लाख और लगाया आपने, तो वो 3 लाख की वजह से एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ा वो 9,44,000। इसी तरह 15 साल में आपने और 3 लाख इन्वेस्ट किया, तो 6 लाख पहले आपके थे और आपने 3 लाख इन्वेस्ट किया, टोटल 9 लाख इन्वेस्ट किया, तो आपका इन्वेस्टमेंट का टोटल वैल्यू हो गया 33 लाख। और ये 5 साल आपने और चलाया और 3 लाख इन्वेस्ट किया, तो इसके वजह से आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना बढ़ गया, तो 33 लाख माइनस, अगर आप 5 साल नहीं चलाते तो आपको इतना मिलता, और आपने 5 साल चलाया तो आपको 33 लाख मिल रहा है, तो आपका वैल्यू कितना बढ़ा, 33 लाख, मतलब 15 साल का वैल्यू माइनस 10 साल में आपका 13 लाख वैल्यू था, तो 19,91,000 इतना आपका वैल्यू बढ़ गया अगर आप 15 साल चलाते हैं तो। इसी तरह 20 साल, 25 साल और 30 साल, तो 20 साल में आपको देखिए तो आपका वैल्यू बढ़ गया 41 लाख, अगर आप और 5 साल चलाते हैं तो आपका 41 लाख एक्स्ट्रा और बढ़ जाता है। 25 साल में 88 लाख बढ़ता है, अगर सिर्फ 3 लाख और आपका जाएगा 20वें साल से लेकर 25वें साल 5 साल में, बट उसके वजह से आपका इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ रहा है, 88 लाख, और 25वें से तीसरे 30वें साल में आपका वैल्यू बढ़ रहा है 1,86,00,000। अगर इसको मैं टाइम्स बात करें टाइम्स के इस फॉर्म में, तो पहले 3 लाख आपने डाला तो आपको रिटर्न जो है 1.5 गुना हो गया, 1.49 टाइम्स, ये 3 लाख का 4,48,000 ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया। अगले 5 साल में आपने 3 लाख और एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, तो ये 3 लाख एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की वजह से एडिशनल वैल्यू कितना बढ़ गया आपका, 9,44,000, तो 3.25 गुना आपका जो है वैल्यू बढ़ गया, 3.15%, 15 टाइम्स इतना गुना बढ़ा।
देखिए जिस तरह से ये पीरियड आपका बढ़ रहा है कंपाउंडिंग की वजह से, आपका जो ज्यादा टाइम्स आपका जो है पैसा ग्रो कर रहा है, 6.64 टाइम्स, 13.98 टाइम्स, 29.47 टाइम्स और ये 62.10 टाइम्स। तो जितना आपका पीरियड लंबा होगा उतना ज्यादा आपका पैसा ग्रो करेगा। इसके लिए हम लोग कहते हैं सब क्लाइंट्स को कि आप जल्दी स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपका एज कम है तभी आप सेव कर सकते हैं और लंबे पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई 55 साल का व्यक्ति है तो वो 30 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन कोई 25 साल का यंग अगर है व्यक्ति तो वो 30 साल के लिए आराम से इन्वेस्ट कर सकता है, 25 साल के लिए, लंबे पीरियड के लिए वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपने यहाँ पे देखा है कि वैल्यू ज्यादा ग्रोथ होता है वैल्यू में। दोस्तों ये तो मैंने SIP का बात किया, अगर लमसम इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है तो वहां पे भी कंपाउंडिंग बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, 15% पर एनम रिटर्न है एक्सपेक्टेड। पीरियड अगर 5 साल के लिए करेगा तो 1 लाख का वैल्यू हो जाएगा 2 लाख 1 हजार, मतलब 2 टाइम्स आपका वैल्यू बढ़ा है, 2 टाइम्स हो गया आपका 1 लाख का 2 लाख हो गया। तो फिर 10 साल के लिए करेगा तो 4 लाख 4 हजार, यहाँ पे 4 टाइम्स हो रहा है। 15 साल के लिए करेगा तो 8 लाख 13 हजार, 20 साल के लिए करेगा 16 लाख, 25 साल के लिए 32 लाख, 30 साल के लिए 66 लाख। ठीक है, सिर्फ 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया तो आप देखिए 30 साल के लिए अगर आप छोड़ देते हैं 15% के हिसाब से, आपका पैसे का वैल्यू 1 लाख का वैल्यू हो जाएगा 66 लाख। और 25 साल और 5 साल, सिर्फ 5 साल का फर्क है, बट रिटर्न में देखिए कितना फर्क है। 25 साल में आपका वैल्यू होता है 32 लाख, उसको और 5 साल छोड़ देते हैं तो होता है 66 लाख, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो जाता है 25वें साल से लेके 30वें साल में। शुरू के 5 साल में उतना नहीं बढ़ता है, शुरू के 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में उतना नहीं बढ़ता है, लेकिन 25वें साल से 30वें साल में देखिए तो आपका वैल्यू 66 टाइम्स जो है वो बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा ज्यादा बनेगा। एक बार आपने 10 15 साल 20 साल आपने कर दिया तो आपका एक वैल्यू बढ़ गया, उसके ऊपर जो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, रिटर्न या इंटरेस्ट जो मिलेगा, तो वो ज्यादा फास्ट आपके पैसे को बढ़ाएगा। तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल आपने देख लिया है। अभी मैंने आपको आपको बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये कंसेप्ट जो है और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि सपोज एक मिस्टर ए है जिनकी आयु 25 साल है, मिस्टर बी है जिनकी एज 45 ईयर्स है, ठीक है, रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स है। जो 25 साल का व्यक्ति है वो रिटायर 60 साल में होगा, तो उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए 35 साल बचे हुए हैं, 60 माइनस 25 35 ईयर्स। और जो 45 साल का है वो 60 में रिटायर होंगे तो उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 15 ईयर्स बाकी है। इनके पास कम समय है, इनके पास ज्यादा समय है। रिटर्न 15% पर एनम है। अभी मान लीजिए मिस्टर ए है, ये इनको लगता है कि मुझे रिटायरमेंट में मुझे 5 करोड़ चाहिए। और मिस्टर बी है, वो भी बोलते हैं कि मुझे 45 साल के एज में, 60 साल के एज में मुझे भी 5 करोड़ चाहिए। ठीक है, अभी इनके पास ज्यादा समय है इन्वेस्ट करने के लिए, 35 ईयर्स है, इनके पास सिर्फ 15 साल है। ठीक है, तो अभी एक फॉर्मूला मैंने लगाया है, PMT का फॉर्मूला। इससे आपको पता चल जाता है कि मंथली आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा 5 करोड़ के पाने के लिए। 35 साल, हर महीने आपको कितना इन्वेस्ट करना है ताकि 35 साल के बाद 15% के रेट से आपको 5 करोड़ मिलेगा। तो इनको 3364, सिर्फ 3364 रुपया अगर ये इन्वेस्ट करेंगे हर महीना 35 साल तक कंटिन्यूअस, तो 15% के हिसाब से इनको 5 करोड़ मिल जाएगा। लेकिन मिस्टर बी है, उनको एवरी मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा 73,870। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 35 साल में टोटल इन्होंने इन्वेस्ट, जो मिस्टर ए है वो इन्वेस्ट करेंगे 14,13,128, और मिस्टर बी इन्वेस्ट करेंगे 1,32,00,000, 96,633। कहाँ 14 लाख और कहाँ 1,32,00,000। सिर्फ टाइम का खेल है, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट मतलब काम करता है जब आपके पास टाइम ज्यादा है, पीरियड ज्यादा है। तो इनके पास 35 साल है, तो 35 साल में कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इसके वजह से सिर्फ 14 लाख अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं मिस्टर है, तो इनको वैल्यू 5 करोड़ मिल रहा है, इनको भी 5 करोड़ मिल रहा है, लेकिन इनको 1,32,00,000 इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अगर यही आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है तो आपको इनको 3,75,000 अगर लमसम करके रखेंगे 35 साल के लिए तो 5 करोड़ मिल जाएगा। इनको 61 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा वन टाइम, क्योंकि इनके पास सिर्फ 15 साल ही है। दोस्तों तो आप समझ गए हैं कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, इसीलिए इसको आइंस्टीन ने
एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है। तो इसके लिए हम सारे क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि जल्दी इन्वेस्ट कीजिए, भले छोटा अमाउंट